मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। मुद्दा जो आज चर्चा में आ रहा है वो जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो सपनों का घर बसाने के लिए आते हैं चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो सालों तक कमाकर अपनी मेहनत की कमाई से चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में बसाना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट जो कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में मिल सकता है उन्हें, और चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का अच्छा और बेहतर भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे अपने मेहनत की कमाई लगाकर और उनके लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सके। ये मुद्दा उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में खेल खेलते हैं ठगी का, इन भोले भाले लोगों को ठगने का। मुद्दा जो अब सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है चंडीगढ़ और मोहाली से लगते हुए मुल्लापुर एरिया से, जिसे अब न्यू चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों बिल्डर्स हैं जो कि रिहायशी और कॉमर्शियल डेवलपमेंट में आज की डेट में लगे हुए हैं। ऐसे ही बिल्डर का जो नाम है वो है GBP गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के नाम से, जो कि ट्राई सिटी में शुमार रखते हैं बड़े बिल्डर्स में। इनके द्वारा की गई अब ठगी का एक मामला एक बड़े रूप में उजागर होने की तरफ है। कहा यह जा रहा है कि ये मामला जो था ये करीब 2017 में शुरू हुआ, जब GBP बिल्डर्स ने लैंड ओनर्स से लैंड एक्वायर की और एक्वायर करने के बाद में उसे नाम दिया प्रोजेक्ट को न्यू चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के नाम से। कहा जा रहा है कि करीब ये 160 एकड़ लैंड के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट था जिसे GBP बिल्डर्स प्रमोट कर रहे थे और डेवलप करना चाह रहे थे। इसी दौरान इन्होंने वहां पर उस लैंड पर टेम्प्रेरी ऑफिसेस अपना बनाकर, जो कि कोई भी बिल्डर हमेशा करते हैं अपना, वहां पे अपने इन्होंने सेल्स ऑफिस तैयार किए। तैयार करने के बाद में वहां पे लोगों में इन्होंने प्रचार प्रसार अपना मार्केटिंग करना स्टार्ट किया और उसके साथ लगते हुए एरियाज में स्कूल और होटल्स तक का इन्होंने प्रोविजन दिया था। ठगी की शुरुआत जो इन्होंने की वो सूत्रों के द्वारा यह पता लग रहा है कि यहां पर हिमाचल, कहा यह जाए कि चंडीगढ़, ना सिर्फ चंडीगढ़ मोहाली बल्कि हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा तक के लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने यहाँ पे 100 गज का प्लॉट लिया, किसी ने 200 गज का प्लॉट, और इनको अलग अलग तरह से जो इन्होंने अपनी रेट लिस्ट बनाई हुई थी, किसी ने यहाँ पे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तक किया, किसी ने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अलग अलग स्तरों पर जिनकी जितनी श्रद्धा हो सकती थी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, इन्होंने अपनी मार्केटिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट किया। सामने यह भी आ रहा है कि करीब करोड़ों को रुपए के आसपास इन्होंने इस तरह के इन्वेस्टर्स से इन्होंने जमा किए, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्होंने इस लैंड का CLU तक नहीं करवाया, जिसे कि चेंज ऑफ लैंड यूज कहा जाता है। इन्होंने CLU बिना करवाए, बिना प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाए और मार्केट में इसको बेचने के लिए डाल दिया और इसे डेवलपमेंट के नाम पर इन्वेस्टर से पैसे ऐंठने स्टार्ट कर दिए। फरवरी 2019 में रेरा, जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस रेरा में इनकी कंप्लेंट्स जाती हैं, मामला खुलता है, उजागर होता है और रेरा ऑफिशियल्स द्वारा इसकी साइट को विजिट किया जाता है और वहां देखा गया कि वहां पर बाकायदा सेल्स ऑफिस है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि वहां पर लोगों को ब्रोशर देते हैं, रेट लिस्ट बताते हैं, कौन से साइज का प्लॉट है, उसका क्या प्राइस है, बाकायदा उन्होंने उसकी रेट लिस्ट तैयार की हुई थी, प्रमोशन के लिए उन्होंने ब्रोशर तैयार किए हुए थे, कुछ नक्शे भी थे शायद जो उन्होंने वहां पर पेश करते थे जब इन्वेस्टर आता था। इन सब मामलों की तहकीकात करने के बाद में रेरा ट्रिब्यूनल के अंदर जब ये मामला चला, इसकी सुनवाई हुई, तो ये पाया गया कि इन्होंने वॉयलेशन के नाम पर ना तो इन्होंने CLU करवाया, ना ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड था, और जो उसमें साफ साफ रेरा का जो ऑर्डर, जो कि अर्थप्रकाश के पास में इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है, उसमें साफ ये कहा गया कि जो ये प्रोजेक्ट है, दिस द प्रमोटर हैड नॉट फुलफिल्ड इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग चेंज ऑफ लैंड यूज, दैट इज CLU, विच वॉज अ प्री रिक्विजिट फॉर फर्दर अप्रूवल्स एंड दस हैड ब्लैटेंटली वायलेटेड द लॉ। ये मामला आया सामने जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं रेरा की तरफ से, पूरी तहकीकात करने के बाद में सभी तथ्यों को जांच कर, पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके रेरा द्वारा ये ऑर्डर पास किया जाता है। फरवरी में आए इस केस को रेरा
में जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसके बाद 6 मई को ये ऑर्डर रेरा की तरफ से दिया जाता है, जिसमें जीबीपी जो प्रमोटर है इसे दोषी पाया गया था और इन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी इस प्रोजेक्ट पर। बात करते हैं वर्तमान की, तो 2 दिन पहले करीब सूत्रों के हवाले से जो खबर आई हमारे पास, प्रशासन दल बल के साथ में वहां पहुंचा और इस लैंड पर जो कि जीबीपी द्वारा कथित तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर यूज की जा रही थी, इसके ऊपर किए गए इसके टेम्परेरी सेल्स ऑफिसर्स और जितना भी इन्होंने सेटअप तैयार किया था गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स ने, उसको वहां पे धराशायी किया। बाकायदा दल बल के साथ, पुलिस के जाब्ते के साथ में प्रशासन वहां पहुंचा था। क्रेन के साथ में वहां पर जो सरकारी पंजा था वो ढहाते देखा गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं या नजर आ रहा है कि किस तरह से दलबल के साथ में वहां प्रशासन पहुंचा। जानकारी के मुताबिक जीबीपी बिल्डर्स द्वारा इन्वेस्टर्स को पीडीसी चेक इशू किए गए हैं, जिनमें करीब 3 से 6 महीने की डेट्स डालकर इन्वेस्टर्स को ये चेक इशू किए गए हैं और साथ ही उनसे यह भी रिटर्न में अश्योरेंस लिया है कि पीडीसी चेक बैंक में लगाने से पहले आप 1 हफ्ता पहले 1 वीक बिफोर हमें इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि यह चेक आप बैंक में लगा रहे हैं। अर्थप्रकाश की टीम ने जब जीबीपी के प्रमोटर मिस्टर सतीश गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की तो ना तो उन्होंने अर्थप्रकाश का फ़ोन उठाया और ना ही फ़ोन का कोई वापस जवाब आया। साथ ही भेजे गए मैसेज का भी उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे जैसे सरकारी पंजा चलता चला जाता है, वैसे वैसे उन भोले भाले इन्वेस्टर्स की आशाओं पर और भी संकट के बादल गहरा जाते हैं, जब उन्हें यह लगता है कि अब तो यह भी नहीं रहा कि जहां जिस जमीन को दिखाकर हमें बेचा गया था, ये प्रोजेक्ट बताया गया था, अब तो वो जमीन भी कहीं ना कहीं हाथ से सरकती नजर आती है। ऐसे में जो ओनर्स हैं उनके पास जमीन है आज की डेट में, गुप्ता बिल्डर्स ऑलरेडी कानूनी पेचीदगियों के साथ में अभी 2-4 हाथ करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऑर्डर किए जा चुके हैं। सुनने में यह आ रहा है सूत्रों के द्वारा कि उन्होंने पेनल्टी जमा नहीं करवाई थी और इसी के ही प्रत्युत्तर में जो प्रशासन है उन्होंने यह सरकारी पंजा चलाया है जमीन पर। मुद्दा सामने यह आता है कि उन भोले भाले इन्वेस्टर्स का क्या, जिन्होंने यहाँ पर अपनी मेहनत की सालों से कमाई हुई पूंजी को लगाकर भविष्य का एक सुनहरा सपना देखा था। अर्थप्रकाश टीवी आपको इस मुद्दे पर चर्चा के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें, उससे पहले उस बिल्डर के बारे में सरकारी वेबसाइट पर जाकर या रेरा के अंदर जाकर उनकी सभी दस्तावेज चेक करें, सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और यह जरूर चेक करें कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड, जो उनके गाइडलाइंस के तहत उन्होंने जो भी नक्शा पास करवाना है या किसी भी तरह का और भी जो बेसिक अप्रूवल्स हैं, क्या उन्होंने ऑब्टेन किए हैं या नहीं किए। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे पास में आती हैं और हम खुद इस बात को देखते हैं कि इस तरह से जब ये ठगी के मामले सामने आते हैं तो जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। आप अर्थप्रकाश टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।